आपने बुलाया गुरुदेव? हाँ, कृष्ण को बुलाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक तुम्हारी गुरु माता के ढाढ़स के लिए शिक्षा के बहाने रोके रखा, परंतु यह गुरु को शोभा नहीं देता, इसलिए तुम दोनों भाई अपनी गुरु माता को मिले बिना ही सूर्य उदय होने से पहले मथुरा चले जाओ तो अच्छा है। जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु गुरु माता भोजन लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी, मथुरा जाने से पहले वहां चला जाऊं? तुम पहले जहां जाना चाहोगे वहीं जाओगे। चाहूं कैसे गुरुदेव, भला गुरुदक्षिणा दिए बिना जा सकता हूं? मुझसे खिलवाड़ करते हो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। परंतु लीला में भी कर्तव्य पालन तो करना पड़ता है गुरुदेव, गुरुदक्षिणा दिए बिना शिष्य का विद्या पर कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं यूं ही चला जाऊं? तो मैं गुरु दक्षिणा तुम ही पर छोड़ता हूं, जो चाहे दे दो। मैं तो अपनी गुरु माता का संतोष चाहता हूं। चाहता तो मैं भी यही हूं, परंतु गुरु को अपना स्वार्थ देखने का कोई अधिकार नहीं। परंतु शिष्य को तो अपना स्वार्थ देखने का अधिकार है ना गुरुदेव? गुरु माता ने मुझे वो स्नेह दिया जो केवल एक माता के पास होता है, और वो भी केवल अपने पुत्र के लिए। मैं उस स्नेह को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? इतने बरस बीत गए हैं, तुम दोनों के जाने के पश्चात गुरु माता पुत्र बिना जीना सीख ही लेगी। मैं उसे खोजने अवश्य जाऊंगा गुरुदेव। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? जाना तो वहीं पड़ेगा जहां ऋषिपुत्र खोया था। भोजन करने नहीं चलोगी माते? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं आपके स्नेह का ऋणी हूं माते, इस ऋण को चुकाए बिना मैं नहीं जा सकता। अरे तो तुझे जाने के लिए कौन कह रहा है? तुझे पाने के पश्चात तो मैं अपने पुत्र को भी भूल गई हूं वत्स। तूने कभी उसके लिए मुझे रोते देखा है? मैं देवकी या यशोदा से अपनी तुलना नहीं कर रही हूं वत्स, परंतु क्या मां की ममता का ऋण चुकाया जा सकता है? अरे मां के हृदय की पीड़ा तो स्वयं नारायण भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे परम पिता हैं, परम माता तो नहीं है ना? माते, किसी गुरु माता को ये बातें शोभा नहीं देती। अब समय आ गया है कि वासुदेव कृष्ण यहां से मथुरा लौट जाएं। ये जो भी दें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। हाँ हाँ जाए, मैं रोक थोड़े ही रही हूं, अवश्य जाए। पर यह सोचता होगा कि इसे मैं हंसते हुए जाने की आज्ञा दे दूंगी, तो यह इसकी भूल है। अब तो जाने का समय आ गया गुरु माता, आज तो अपने हाथों से मुझे खिला दो। सच कहता हूं मेरा पेट ना तो नंदगांव में भरा, ना मथुरा में, और ना ही यहां।
बड़ा भाई होकर तो मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। दाऊ, तुम चाहे मेरे बड़े भाई बनो या छोटे, पछताओगे अवश्य। पर गुरु माता, यह है मुझ पर बड़ा अन्याय। बड़ा भाई होने के नाते माता के स्नेह पर सबसे पहला अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र का ही होना चाहिए ना। माँ के स्नेह पर पुत्रों का अधिकार एक समान होता है वत्स। अब चलो माता, भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है, और उसके पश्चात हमें आपके पुत्र को भी तो लेने जाना है। और आज जब आप पहला कौर मुझे खिलाएंगी तो मेरा जाना और भी आवश्यक हो जाता है। वो क्यों दाऊ? कौर पचाने के लिए। और बलराम ऋषि पत्नी के हाथ से मिले हुए कौर को बचाने के लिए कृष्ण के साथ दैत्य नगरी की ओर चले गए। और श्री कृष्ण ने इस यात्रा से ये सिद्ध किया कि गुरु दक्षिणा दिए बिना तो शिक्षा संपूर्ण ही नहीं हो सकती, चाहे शिक्षा लेने वाले स्वयं नारायण ही क्यों न हो। और इस यात्रा का एक रहस्य ये भी था कि श्री कृष्ण को अपना शंख पांचजन्य दैत्यों ही से मिलने वाला है, और ये शंख इस कथा के लिए आवश्यक है क्योंकि ये शंख तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में फूंका जाने वाला है। तो ये यात्रा और इस यात्रा से उनकी सफल वापसी महाभारत की अमर कथा ही का एक हिस्सा है। इन्हें वापस आता देखकर ऋषि पत्नी बाहें फैलाए और आंखों में आनंद और ममता के आंसू लिए इनकी तरफ दौड़ी। माते, प्रणाम। माते, पता नहीं तुझसे मिलने का सुख अधिक है पुत्र या वासुदेव से बिछड़ने का दुख। मैं आपसे बिछड़ कहां रहा हूं माते? इसका सबसे बड़ा गुण यही है माता, पहले तो ये किसी को मिलता नहीं, परंतु जब मिलता है तो फिर बिछड़ता नहीं। आयुष्यमान भव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। पिताश्री। गुरुदेव, ये क्या है? हमने तो खोलकर देखा ही नहीं, वो तो कृष्ण को दे रहे थे, तो इसने आपकी ओर से स्वीकार कर लिया। गुरुदेव, ये तो पांचजन्य शंख है। गुरु माता के लिए हम इस यात्रा से गुरुपुत्र को ले आए, अब इसे आप स्वीकार कीजिए गुरुदेव। नहीं कृष्ण, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसे फूंक कर इस पुराने युग की समाप्ति और आने वाले युग के आरंभ की घोषणा करो कृष्ण। जो आज्ञा। नव युग का आरंभ है, पांच जन्य जय घोष। नाद सुजन परितोष प्रद, दुर्जन के प्रतिरोध।